वापस शामिल करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी को तब्दील कर दिया गया। आसिफ इफ्तखार दफ्तर खारजा के नए तर्जुमान मुकर्रर हो गए। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शौकत पराचा, बताइएगा इस तब्दीली के हवाले से। जी मैं सुन रहा हूँ। जी शौकत पराचा, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, देखिए दफ्तर खारजा में तर्जमान की तब्दीली एक मामूल का काम है। चूँकि जायद हफीज चौधरी अब पहले से नामजद हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर, और उनका एग्रीमा भी आ चुका है, तो वो अनकरीब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। तो इसी सिलसिले में दफ्तर खारजा का चार्ज आज उन्होंने छोड़ दिया है। उनकी जगह आसिम इफ्तखार साहब, वो दफ्तर खारजा के नए तर्जमान मुकर्रर किए गए हैं। आसिम इफ्तखार थाईलैंड में पाकिस्तान के सफीर थे, उससे पहले वो अक्वामे मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान के न्यूयॉर्क मिशन में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो आज बाकायदा तौर पर जब दफ्तर खारजा के तर्जमान जायद हफीज साहब अपनी आखिरी ब्रीफिंग दे रहे थे, तो उन्होंने ऐलान किया कि ये उनकी आखिरी ब्रीफिंग है, और उनके बाद आसिम इफ्तखार बतौर दफ्तर खारजा के तर्जमान जिम्मेदारियां संभालेंगे। लिहाजा आज से अब दफ्तर खारजा के तर्जमान आसिफ इफ्तखार साहब होंगे। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा अपडेट करने।